तो जी दोस्तों, जिवें कि तुहानूं मैं पहले दस चुकी हाँ कि उस्ताद जी सुबह दे बकरा लैण गए हुए ने, अज थोड़ा जिहा प्रैंक करने आ, आण वाले होणगे, आंदे ने ते नाल रहो तुसीं। ओहो पता नहीं कित्थे रह गए ने। ओए होए 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 ओहो हो तू अपना बकरा आप लै, तू मेरे त्यानी हिसाब पाता है, मेरा बकरा भी लेंदे आना। मेनू फड़ाया सी कोई 2 करोड़ रुपया। पानी पिछे तेन पहले डूब के मरना। दसो सवेर दे गए सो सानू इन्नी टेंशन लगी है की बनिया सानू, मतलब की तुसी पूरी कौम टेंशन सी, घर वाले मैम सारे सब नो टेंशन सी के बकरा आएगा आज ते आज फेर खाली आज टुरे आने। मैं तेनु की दसा, मैं मंडी गया। अच्छा बकरियां दी वैड़ियां दी पता नहीं केड़ी केड़ी आइटम दी, मैं ते लगदा अन करीब सप्पां दी मंडी भी लगनी शुरू हो जानी। की मतलब सप्पां दी? मैं कहना ऐसा ऐसा जानवर। अच्छा राजनपुर ते बकरे। वाह वाह। ओहो मैं कहना क्या बात है, साहिवाल दियां वैड़ियां। वाह ऐसी ऐसी वैड़ी। अच्छा कि तू कुछ है ही नहीं तो हेलो। नहीं मेरे मतलब जी को पसंद भी आई कुछ है कि नहीं भाई? देखो वैड़ी सोनी हुई होनी चाहिए है, बिल्कुल खूबसूरत सोनी ते ही तरह। मेरी तरह का की मतलब? मैं कोई जानवर है? नहीं नहीं जानवर तो तू नहीं, लेकिन वैड़ी और चीज होती। अच्छा फिर वैड़ी की कौन कुर्बानी करता है? मुझे दस कर वैड़ी आज तक किसी ने कुर्बान की थी? मेला मंडी मवेशियां लगी सी उत्थे मैं गया, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵੈੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਆਹਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ? ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਹਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਐਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਐਡਾ ਭਲਿਆ, ਐਡਾ ਬਿਹਤਰੀਨ, ਮੈਂ ਬਸ ਲੈਣ ਹੀ ਲਗਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਵੈੜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਵੈੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਹੀਰੇ ਖਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਯਾ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਘੜਾ ਬੰਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਠੇ, ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਨਾ ਬਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਨਾ ਥੱਲੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਥੱਲੇ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ 5 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੇਂਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੇਂਜ, ਚਲੋ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਦੇਖਨੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੈੜਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੂਰੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਆਹਾ ਕਮਾਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਓਹੋ ਬਲੋਰੀ ਟੈਪ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸੋਨੂੰ ਨੇ ਬਲੋਰੀ ਅੱਖ ਵਾਲਿਆ ਵੈੜਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਾ ਤੂੰ ਗਾਣਾ ਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੈਲਫੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤਸਵੀਰ ਯੇ ਵੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪੁੱਛੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ
कर रही हो तो फोन दे के ना मिले अपना आईफोन दे के दिल ले लेना हाय मेरा की हाल हो गया ओ सारा दिन मंडी च फिर फिर के फिर उस तो बाद मैंने एक ना बकरा पसंद आ गया माशाल्लाह शुक्र है फिर मैं क्या यार बड़ा प्यारा बकरा है मैं यार मरी गई ऐसा सी तो थे बड़े प्यारे प्यारे बकरे देखे माशाल्लाह बड़े मैं क्या यार ये बकरा ले जाइए चलो ऐसी कुर्बानी कर लेंगे फिर ओए होए 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 मेनू को प्यार लगा
जिहो जे बकरे ने तो फोटो नहीं सी खिचाई उथे मरी हां बकरी सी बकरी सी कि बकरा बकरी सी ओ तेन कि सन पता थान सी ओ उथे बकरे दे दंदे नहीं अच्छा एक गल नहीं सी अच्छा ओ ना अपना मैं कह चलो यार ले लेने तू बकरा देख तू मैं हैरान हो गया कि एडा प्यारा बकरा मेरा हल कोदे च कोई मन डेढ़ मन गोश्त होएगा अच्छा मैं कह चलो ठीक है यार कहंदा 3.5 लाख साढ़े 3 लाख बकरा बस फिर अपना जो मुंह लैके मैं फिर मंडी जावे गुआची गांत रख पर फिरना शुरू करता मैं कि शायद मतलब बकरा फिर किसी और को भी नहीं देखा मैं दसन लगा ना मंडी च घूमना शुरू करता मैं कह मैं देखा किधर एक बकरा मैं देखा मैं कि अपनी रेंज लग रहा है तो मैनू घूर भी रहा है कि मैनू लै जा अच्छा चिट्टे रंग का बकरा बिल्कुल तेरा नहीं तू तो बहुत मोटी है तेरे वर्गे मेरे साइज का लग मैं कि चलो यार यह लै लो ए बकरा ठीक है सस्ता आ भी जाना सी मैं ओदे नाल गल कीती भाई नाल मैं कह यार ए बकरा बने मेरी कुर्बानी वास्ते वाह 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 तो भाई मान गया भाई ने किया भाजी लै जाओ गल ही कोई नहीं कोई मसला ही नहीं ऐसा असी रखी है ऐसे वैसे रखे नहीं कि बेचिए बेचिए तो लै जाओ तुसी कोई गल नहीं असी फिर भाई जी मैं बकरी का रेट कराना शुरू किया तो कितों शुरू हो असी 2.5 लाख तो 2.5 लाख 2.5 लाख तो शुरू होए हैं स्लिम बकरे का रेट 2.5 लाख तो शुरू होए हैं जो उत्थे बस हो गया तो 2.5 तो थले आया ही नहीं हो ना वो आया तो ना मैं उत्ते गया मैं क्या भी 250 तेरा तू 250 कह रहे ना 250 तेरा ना मेरी गल सीधा इदा 25,000 ला लै 2.5 लाख तो 25,000 हाँ वो नहीं मनिया उन्हें कह नहीं जी उन्हें तो कहना सी पागल खाने छोट के आया है 2.5 लाख कह रहे हैं 25,000 वो कह रहे हैं ना तेरे केड़े पागल ने भेजे है ये मैं कह रहे हैं अच्छा मैं मेरा तो नाम ही नहीं लिया नहीं नहीं तेरी फोटो दिखाई उन्हें कह फिर ठीक है कह सकते जो मर्जी अच्छा घूमता रहा मैं घूमता रहा फिर घूमते घुमाते मेरे जहन च एक आइडिया है मैं बकरा खोल लिया फिर खोल लिया बकरा मैं एक बकरा खोल लिया तो लोग मेरे को रेट पूछना शुरू हो गया कि भाई किन्ने दा भाई किन्ने दा भाई किन्ने दा भाई किन्ने दा तो खोल के घर क्यों नहीं लेंदा मैं तो घर ही लिया रहा सर वो जो ही मैं मंडी का गेट क्रॉस कर लगा आगे एक पुलिस वाला पर्ची दिखा कि को लेके आए पुलिस खलोती होंगी ना उ दस दिन कि लैके आए 10 रुपये किन्ने पैसे दे के आए मैं जी मैं तो आप भारी हूँ उन्हें मैं 2 सुटियां ने इतने सुटियां ने मैं दर्द मैं इतने हो रही है पता नहीं कि मसला बनया लेकिन खैर जी बकरा जो है वापस किया हूँ मैं सोचा कि महल्ले च ना मशहूर कर दो अस कुर्बानी कर रहे हैं अच्छा करता है मशहूर कर ले करता सब बस मुर्गा लैके ना ओद खून सारा छापर चट्ठा करके नाली च रोड़ दें फिर पंचसी मुर्गा लैके तो गोश सारा छापर च पा के ना नाली च रोड़ दें समझदार शुगर कर पुलिस को बच के आ गया वैसे ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਰੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜ਼ਬਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਛਾਪਰ ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲੀ ਚ ਰੋੜ ਦਿਓ ਨਾਲੀ ਚ ਕਿਉਂ ਰੋੜਨਾ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚ ਨਾਲੀ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਧਰੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸੁਰੰਗ ਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਹਿ ਕੁਛ ਰਿਹਾ ਤੇ ਘਰ ਕੁਛ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਾਲੀ ਚ ਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕੋ ਬਹੁਤ लेकिन पता लग गया अपने बड़े पैसे लैके गया मैं पूरा 35,000 रुपये लै गया यकीन करो मैं समझा 35 लैके जा रहा 10 बचा के लावांगा
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਕਿੱਧਰ ਬਈ 35 ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੱਭ ਰਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆਏ ਖੈਰ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅੱਛੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਬੱਕਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਹਮ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਆ ਕੀਜੀਏਗਾ ਨੱਬਾ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਲੋਕ ਇਸਸੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਯਾਰ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਆ ਕਰੇ ਆਪ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਲੇਤੇ ਹੈ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਸੇ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਪਸੰਦ ਆਏ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਅਗਰ ਨਾ ਆਏ ਤੋ कमेंट कर दिए करें उधर। मैं तो यही कहूंगी वीडियो हम बनाते हैं बड़ी मेहनत करते हैं आपके सामने हैं लेकिन पसंद आए या ना आए लाइक करना चाहिए कमेंट करना चाहिए और जिड़े थले लिख दियो ना कि हॉट मजीद हॉट मजीद हॉट मजीद हॉट कल तुसी ना कूलर आप लाने वाले करांगे बीच मेरी जान दियो टोटो अपने ज़ेहन दी गलासता नु अपने कोल रखो और कभी अच्छी गल ते भी कभी नोटिस ले लिया करो जो अच्छी बातें होती हैं उनको भी अप्रिशिएट किया करो उनको भी आगे बढ़ाने की कोशिश किया करो उनको भी शेयर किया करो जरूरी नहीं कि आपने सिर्फ डांस ही देखना है पता नहीं क्यों तो डांस माइंडेड हो गए साड़ी ब्रॉड साड़े इतने पता नहीं यूट्यूब के सब्सक्राइबर 99% रह गए ताफू खान साहब के पुत्र ने नहीं एक्चुअली उन्होंने मेरा ज्यादातर डांस ही देखे है इसके अलावा कुछ किया भी है कि नहीं एक्टिंग कीती है एक्ट दे पार्ट बहुत घट लोगों ने वेखे ने ज्यादातर डांस तानू पता हिट चला जाता है उनकी वजह तो हाँ। तो दोस्तों थोड़ा जा माइंड नू चेंज करो साड़ी जड़ी एक्टिविटी हुंदी है तुहाडे वास्ते हुंदी है तो तुसी उनू एप्रिशिएट करो लाइक करो कमेंट करो सबसक्राइब करो साडे चैनल नू ते बिल्कुल भी किसी प्रेशर च नहीं आना ते मजीद जड़े धोखेबाज ने मेरे नाम तो फजूल फजूल तरह दियां तस्वीरां ते पिक्चर्स बनाईयां ने एक ये जो एक आईडिया है मैं उसका नाम ही लूंगा जो बार बार इसके ऊपर आके लिखती है कि चाहत मजीद हॉट चाहत वेब सीरीज अपलोड करो चाहत मजीद डांस की वीडियो अपलोड भाई तू साड़ी माँ है ये साड़ा प्यो है तू ये तेनू मैं जमे है जिड़ा तू बार बार आके समीना समीना दिन आगे आएगी चलो कोई बात पता नहीं अपने नहीं नहीं फैन अच्छे भी होते हैं नहीं भी होते हैं बात करना जरूरी है हमारे चैनल पे वही अपलोड होता है जो दोस्त पसंद करते हैं लेकिन आप इस तरह की फरमाइश करते हैं जिस तरह तू तो मेरा जैसे चकले की पैदाइश है किसी हीरा मंडी च बह के तू कमेंट कर रही है कर रहे हैं जड़ा भी है तू जो भी है तू तो कर पुत्र हूँ कमेंट अगली वीडियो तेरे से बनेगी तेरे से वीडियो बनावे आई डी तू समीना मिर्जा के नाँ की आई डी बना के अपने वालों चाहत मजीद हॉट वीडियो अपलोड करो चाहत ये करो चाहत ये करते हुए करो चाहत ये करो चाहत वो करो ये आओ जो इन्हें चाहत जमे है लेकिन अगर हम लोग आर्डर मानने वाले होते तो हम रोज एक नई वीडियो बना के डांस ये वो सब कुछ इसके ऊपर अपलोड करते रहते लेकिन आप लोग इतना ख्याल किया करो यार बाकी बातें भी आपकी सलाह के लिए होती हैं आपके फायदे के लिए होती हैं आपकी चिल के लिए होती हैं आपकी मस्ती के लिए होते हैं आप जहाँ कहीं भी होते हैं वीडियो बनाते रहते हैं आपके लिए जैसे कि बातों बातों में हम बहुत सारे मैसेज कन्वे कर देते हैं वो आपकी मर्जी है कि आप उस मैसेज को पिकअप करते हैं या नहीं करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है तो वीडियो वॉच करो तो एसी ऑन करो